हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ओला के बारे में। कुछ दिन पहले वो टेस्ट राइड की विंडो जो थी वो ओपन हो गई थी और मैंने बुक करवाई थी और उसका टेस्ट राइड भी लिया और बुकिंग भी करवाया था और 23 मई को मैंने फाइनल पेमेंट किया था, मगर अब तक मुझे मिली नहीं है। और ऐप में सारे अपडेट दिखा रहे, ये टेस्ट राइड की वीडियो है, आप देख लो। वो घर पे आए थे टेस्ट राइड देने के लिए और एप्लीकेशन से ऑनलाइन बुक की थी टेस्ट राइड। टेस्ट राइड में तो सब कुछ सही लगा मुझे। बुकिंग का मैं दिखा रहा हूँ, 23 तारीख को मैंने फाइनल पेमेंट किया था और उसको भी 2 हफ्ता के आसपास हो गया है, लेकिन अब तक डिलीवरी मिली नहीं है। अभी इसमें दिखा रहा है कि वो फैक्ट्री से निकल चुका है और आपका आरटीओ प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको मिलेगा और 4 से 5 वीक का टाइम लगेगा, लेकिन यूजुअली सबको 2 या 3 दिन में मिल जाता है और किस किस को एक या दो हफ्ते में मिल जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके कई सारे रूमर्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया वो बता रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन स्कूटर है, और कुछ लोग इसमें प्रॉब्लम निकालते हैं कि किसी को वो बैटरी का इश्यू आ रहा है और किसी को अपडेट नहीं हो रहा है, किसी को अगले वो सस्पेंशन टूट जा रहा है। उस सब के बारे में आप देखना चाहोगे तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे और जब भी हमको डिलीवरी मिलेगी तब भी हम वीडियो बनाएंगे। और कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी देखते हैं कब तक मिल जाएगी और क्या है सब कुछ। और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के बारे में भी अभी जानना है, वो तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन वो हमको हमारी तरफ से क्लेम करनी रहेगी, वो कोई ओला वाले नहीं करके देंगे, वो हमको करनी रहेगी। तो देखते हैं क्या सीन है उसका। चलो तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आगे, तब तक के लिए बने रहे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We'll be right back.